कंबोडिया का जो इमिग्रेशन है इंडियंस को लेकर इतना ना कोई ज्यादा खास नहीं है, थोड़े स्ट्रिक्टनेस रखते हैं वो लोग। कंबोडिया की वीजा ऑन अराइवल फीस जो नेट पे दिखा रहा है वो $30 है, मैंने $10 फॉर सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा ही रख लिया है कि 35-40 मांगेंगे तो दे दूंगा। इंडियंस को लैंड बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तो कंबोडिया की बहुत दिक्कत आती है। हेलो, उसके बाद हम चेक इन करके इमिग्रेशन पे चलेंगे। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, मेरे को ये वीजा ऑन अराइवल का कार्ड भरना है, फिर जाना है मेरे को सामने वीजा ऑन अराइवल पे। बाकी ज्यादातर इंडियंस का जो कंबोडिया का एक्सपीरियंस है इतना अच्छा नहीं रहता। तो स्वागत है भाई आप सबका एक और नए व्लॉग के अंदर, और आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है मलेशिया कैमरून हाईलैंड्स, जो कि हिल स्टेशन है जहां पे भाई मैं पिछले 2 हफ्ते से था। मतलब पहले यहाँ पे 10 दिन रुका, फिर मैं जॉर्ज टाउन गया, फिर मैं यहाँ पे वापस आ गया। तो आज फाइनली वक्त आ चुका है कि हम मलेशिया को छोड़कर हम जा रहे हैं एक नए देश। फाइनली आज मलेशिया को कर रहे हैं गुड बाय। और बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ। तो कल मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मतलब कि कल मेरा जो है आखिरी दिन है, 30वां दिन है, और मुझे 30वें दिन में कंट्री को लीव करना ही होगा वरना ओवरस्टे हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कैमरून हाईलैंड से कुआलालंपुर, और मतलब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है, तो आज रात को लगभग 12-1 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट। उसके बाद 2-3 घंटे एयरपोर्ट वेट करूंगा और फिर मेरी चेक इन हो जाएगी, बोर्डिंग वगैरह देख लेंगे उसके बाद। तो वक्त आ चुका है भाई मलेशिया को छोड़ने का, इस प्यारे हॉस्टल को छोड़ने का, कैमरून हाईलैंड्स को। भाई 2 वीक से ज्यादा मैं यहाँ पे रुका हूँ और मन लग गया था यहाँ पे एकदम। मानिक भाई हमारे गुड बाय करने का टाइम आ गया। मानिक भाई व्हाई यू क्राइंग, ओवर ड्रामेटिक पर्सन, गुड बाय मानिक। तो ये भाई हमारे मानिक भाई, और ये हमारे बूम बूम बूम, गुड बाय बूम बूम, सी यू अराउंड भाई। सिंगापुर से, सिंगापुर आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, लाइक व्हेन एवर आई केम सिंगापुर एंड यू आर इन सिंगापुर डेफिनेटली वी मीट, एंड आई बी इन इंडिया मोर, आई ट्राई टू बी इन कोलकाता, एंड इफ आई एम अराउंड आई लेट यू नो, ओके बाय बाय। तो हमारे मानिक भाई छोड़ के आ रहे हैं भाई हमको। मौसम देखो भाई, बारिश का हो रखा है, और आज फाइनली इस कैमरून हाईलैंड्स को कर रहे हैं गुड बाय। तो ये था भाई मेरा हॉस्टल जंगल ईपी, इसका नाम वैसे तो अभी अलोरा बजट इन है भाई, इस जगह को मैं हमेशा याद रखूंगा। चलते हैं फॉर नाउ। बड़ा वाला बैग पीछे रख दूं? बड़ा वाला बैग पीछे रख देते हो भाई। तो ये था भाई छोटा सा टाउन कैमरून हाईलैंड्स, और भाई मिस करने वाला हूँ इस वेदर को मैं। देख लो भाई पूरे दिन बारिश होती थी यहाँ पे, और आगे मैं जो ट्रैवल करूँगा वो पूरी गर्मी होगी। मैंने चेक किया था क्योंकि मैं अभी यहाँ से कंबोडिया जा रहा हूँ, कंबोडिया में टेम्परेचर है भाई 35 डिग्री 40 डिग्री, इंडिया वाला सेम ही, तो वहाँ पे भाई बहुत गर्मी रहेगी। तो हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड पे, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बस का। लगभग 20-25 मिनट बाद मेरी बस है, और मेरे जो होस्ट थे मानिक मेरे को बस स्टेशन पे छोड़ गया। भाई क्या वक्त गुजराना पिछले यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैमरून हाईलैंड्स में लगभग भाई 17-18 दिन रुका हूँ, और भाई ये मेरे अब तक के ट्रैवलिंग के सबसे रिलैक्सिंग सबसे प्यारे दिन थे। मैं यहाँ पे भाई वापस ज़रूर आऊँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा मलेशिया में। तो हाँ ये भाई मेरा दूसरा घर बन चुका है अब। तो ठीक है अभी के लिए करते हैं गुड बाय जगह को, बस का वेट करते हैं फिर निकलते हैं। तो ये भाई नीचे आप सामान रख सकते हो अपना, लेकिन ये बसें भाई अच्छी होती है, एसी बसें हैं, अंदर वाईफाई भी है, तो सारी सुविधाएं हैं। अभी चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। और भाई ये जगह ना सच में स्विट्जरलैंड से कम नहीं थी, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे भाई घर होटल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। तो फाइनली हम कर रहे हैं गुड बाय, और इंडियन रेस्टोरेंट ना यहाँ पे है जो मेरा फेवरेट है, ये इंडियन रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे करी लीफ, ये वाला देखो दिख रहा है करी लीफ। तो अभी रात के ना 9 बजने वाले हैं, वो देखो ऊपर टाइम भी है, 8:56 हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं कुआलालंपुर। मैं 5 बजे चला था और अभी वक्त हो गया है रात के 9 बजे का, 4 घंटे हो गए हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं एकदम सिटी सेंटर के अंदर, ये हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टैंड पे। इस बस स्टैंड का नाम है टीबीएस बस स्टैंड, और भाई बहुत बड़ा बस स्टैंड है। अब यहाँ से मेरे को लेनी है एयरपोर्ट के लिए एक और बस, जो कि मेरे को ऊपर जाके उसकी टिकट खरीदनी पड़ेगी। अभी वक्त हो रहा है रात के कुछ 9:30 बजे का, तो मैं देखूंगा लगभग 12 बजे के आसपास की कोई बस मिल जाए तो मैं 1 या 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। मेरी फ़्लाइट तो सुबह 6 बजे की है, लेकिन यार मैं सोच रहा था कि रात को ही चला जाता हूँ, क्योंकि एक तो वैसे भी एयरपोर्ट जाने में
एक डेढ़ दो घंटा लग जाता है, ऊपर से तीन चार घंटे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए वैसे ही पहुंचना पड़ता है। तो मैं आ चुका हूं यहां पर इस TBS जो बस स्टेशन है इसके अंदर, और एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने ना बस ले ली है। वैसे अगर आप ग्रैब वगैरह लोगे ना तो भाई बहुत महंगी पड़ती है, लगभग 40-50 रिंगिट ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बसें चलती है भाई यहां से, और पब्लिक बसें बहुत अच्छी है, क्योंकि भाई एयरपोर्ट यहां से ना लगभग एक डेढ़ घंटा दूर है, एक डेढ़ घंटा लग जाता है, सिटी से बिल्कुल बाहर है। तो मैंने ये टिकट ली है, ये मेरे को पड़ी है 13 रिंगिट की, यानी ये मान लो इंडिया के लगभग 200 रुपए के आसपास, 200-220 रुपए। तो हाँ भाई, एक घंटे के सफर के 220 रुपए, वरना अगर आप टैक्सी लेके जाओगे ना तो भाई बहुत ही महंगा पड़ेगा। अब बजे हैं भाई 9:30, और मेरी जो बस है वो है 12 बजे की, और मेरी जो फ्लाइट है वो है कल सुबह 6 बजे की। तो मैं 12 बजे बस में बैठूंगा और 1:30-2 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट 4 घंटे पहले, तो फिर आराम से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, और नीचे हमारी बस आने वाली है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है, गेट नंबर 1 है हमारा, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं अपनी बस बोर्डिंग का। बस 5-10 मिनट में मेरी बस की बोर्डिंग होगी। सामान रख दिया भाई, अब हम जा रहे हैं बस में सीधा कुआलालंपुर टर्मिनल 2। तो मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पे, और अभी एक सीन हो गया था, हमारा जो बस वाला भाई था ना उसने मेरे को टर्मिनल 1 पे उतार दिया था, जबकि उसे उतारना था मुझे टर्मिनल 2 पे। मेरी जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 2 से है। उसके बाद फिर मैंने एक फ्री शटल बस चलती यहाँ पे टर्मिनल्स के बीच में, तो मैंने वो फ्री शटल बस ली, और अब मैं आ चुका हूँ टर्मिनल 2 पे। वक्त हो रहा है अभी रात के 2 बजे का, मेरी फ्लाइट है सुबह की 6 बजे, तो मेरे पास 4 घंटे है चेक इन इमिग्रेशन सब कुछ आराम से करने के लिए। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है सब कंप्लीट करके अपने गेट पे जाके भाई बैठ जाऊंगा। और यहाँ पे भाई सारे बोर्ड लगे हैं फ्लाइट के, तो हमारी जो फ्लाइट है वो सुबह के 6 बजे की है, वो रही भाई एयर एशिया। देखते हैं क्या कर सकते हैं, अभी तो जाता हूँ पहले चेक इन कर लेते हैं अंदर। यहाँ पे भाई ये कुछ एयरपोर्ट खाली पड़ा है यार, अभी तो टर्मिनल 2 देखना पूरा खाली पड़ा है, इधर कुछ लोग बैठे हैं हालांकि। ये लो भाई यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है पूरा इनका चेक इन काउंटर। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे और चेक इन जो काउंटर है वो स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, सामने हमारी जो फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन है वो हमें सारी मिल जाएगी। ऑलरेडी रात के 2 बज चुके हैं, तो पहले मैं जाके चेक इन कर देता हूँ अगर अभी हुआ तो, नहीं तो मुझे भाई घंटा भर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक इन करके इमिग्रेशन पे चलेंगे। बाकी मैंने $40 रख लिए अपने पास, क्योंकि कंबोडिया की वीज़ा ऑन अराइवल फीस जो नेट पे दिखा रहा है वो $30 है, मैंने $10 फॉर सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा ही रख लिया है कि 35-40 मांगेंगे तो दे दूंगा। वैसे बता दूँ कंबोडिया का जो इमिग्रेशन है इंडियंस को लेकर इतना ना कोई ज़्यादा खास नहीं है, थोड़े स्ट्रिक्टनेस रखते हैं वो लोग, मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है, देखते हैं बाकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी ज़्यादातर इंडियंस का जो कंबोडिया का एक्सपीरियंस है इतना अच्छा नहीं रहता, और लैंड बॉर्डर्स में तो भाई बहुत दिक्कत आती है, मतलब इंडियंस को लैंड बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तो कंबोडिया की बहुत दिक्कत आती है। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सुबह के 3 बज चुके हैं और अब मैं करने वाला हूँ काउंटर पे जाके चेक इन, और सामान मैंने यहीं रख दिया था नीचे, और मैं अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करने लग गया था। अभी काउंटर ओपन हुए तो पहले जाके फटाफट मैं काउंटर में चेक इन कर देता हूँ, उसके बाद गेट पे चला जाऊँगा और फिर देखते हैं इमिग्रेशन में क्या कुछ पूछते हैं। मेरे पास कोई रिटर्न टिकट नहीं है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई मैं बाय लैंड बॉर्डर आगे जाऊँगा, तो देखते हैं कितना स्मूथ रहता है और आगे कंबोडिया के बॉर्डर पे क्या पूछते हैं। तो चलते हैं पहले चेक इन करवाते हैं। तो चलो भाई, हमारा चेक इन हो चुका है, बोर्डिंग पास हमें हमारा मिल चुका है, और मेरा जो वेट था ना अलाउड था 7 किलो, लेकिन मेरा 1 किलो वेट एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसने कहा ये छोटा वाला बैग आप अपने साथ रख लो, और जो आपका बड़ा वाला बैग है 7 kg वाला वो मैं चेक इन कर देती हूँ। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखते हैं भाई इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहिए। बाकी सबसे बड़ी बात यह कि आज मेरा ना 30वां दिन है, आखिरी दिन है मेरे वीज़ा का, और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि आखिरी दिन पे आप कंट्री लीव नहीं कर सकते, वो ओवरस्टे में होती है। लेकिन उसके बाद मैंने इंडियन एम्बेसी कॉल किया और मैंने पूछा कि अगर मैं अपना जो वीज़ा है 30वें दिन मैं देश को एग्जिट करता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास एग्जिट कर दो। तो इसीलिए मैंने आज की फ्लाइट कर दी, क्योंकि मेरे को सस्ती मिल रही थी। अब चलते हैं भाई इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे और देखते हैं इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं। तो चलते हैं भाई सीधा इमिग्रेशन, इंटरनेशनल डिपार्चर्स निकलते हैं अभी। तो ये है भाई यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर्स, बोर्डिंग पास मिल चुका है, चलते हैं अब अंदर और इमिग्रेशन देखते हैं कैसा होता है। तो ये लो भाई इमिग्रेशन हो चुका है अपना, अब हो रहा है कस्टम्स। तो अभी मैं जस्ट आया हूँ इमिग्रेशन क्लियर करके और कस्टम क्लियर करके, और भाई कुछ नहीं पूछा मेरे से पासपोर्ट लिया, मैंने गुड मॉर्निंग किया, पासपोर्ट दिया, उस बंदे ने पासपोर्ट देखा, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट देखा, उसके बाद सीधा स्टैम्प किया, कुछ नहीं पूछा कि कंबोडिया के लिए आपके पास डॉलर्स है, वीज़ा ऑन अराइवल्स के लिए नहीं, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट, कुछ नहीं पूछा। अब देखते हैं कि भाई
कंबोडिया का इमिग्रेशन हमसे क्या पूछता है वो इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मेरी स्टाम्प लग गई है और अब हम जा रहे हैं सीधा हमारे गेट की तरफ। बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री कैसा है। बाकी ड्यूटी फ्री तो आपको पता है हर कंट्री में सेम ही होता है, लैक्मे के प्रोडक्ट्स हो गए और बड़े बड़े भाई प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो यहाँ से खरीदते हैं, मैं तो कभी प्रीफर ना करूँ अगर मेरे पास पैसे हों भी तो। तो ये भाई सारा ड्यूटी फ्री का एरिया देख लो, हर तरफ लग्जरी ब्रांड, कैशियर। हम जा रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स, गेट नंबर क्यू ही है शायद, मेरा पासपोर्ट डिटेल्स ना दिख जाए। तो बस अभी हमारा लास्ट स्टेप बचा है, वो है भाई नीचे कस्टम। तो फटाफट कस्टम करवाते हैं और फिर चलते हैं। गेट पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, अब जाके फाइनली बोर्डिंग शुरू हो रही है। पहला पैसेंजर हूँ भाई मैं जो कि जाऊँगा अब एयरक्राफ्ट में, और एयरक्राफ्ट हमारा लग चुका है। सुबह के लगभग 5:40 हो चुकी है, 5:40 पर बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। टेक ऑफ टाइम जो है वो 6:40 का है, एक घंटे बाद। मेरे को लग रहा है मैं प्लेन में चढ़ने के बाद भाई सो जाऊंगा, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ वैसे भी भाई, बहुत मतलब तंग हो लिया क्योंकि यार रात की फ़्लाइट थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है ना, तो आपकी रात तो काली होगी होगी, ये तो भाई फिक्स है। लो भाई सुबह के 6 बजे हम लोग कर रहे हैं एंट्री। फाइनली यार आज पूरी रात ना जाग के निकाली है, एक एयरक्राफ्ट उधर भी खड़ा है, पर ठीक है चलो यार, ट्रैवलिंग में ना इतना तो चलता ही है। ये लो। लगभग 2 घंटे की फ़्लाइट होगी और कंबोडिया पहुंच जाएंगे। वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा मैं इंडियंस के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रोसेस कैसा है वीज़ा ऑन अराइवल का। सुना है मैंने कंबोडिया का जो इमिग्रेशन है इंडियंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका भी पूरा आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एकदम स्मूथ रहता है, सवाल जवाब होते हैं नहीं होते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी के लिए जर्नी इंजॉय करते हैं और पहुँचते हैं पहले कंबोडिया फनोम पे, उसके बाद बाकी देखेंगे। अभी फ़्लाइट बोर्ड हो रही है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, सामने एक और एयरलाइन खड़ी है, ये भी शायद मलेशियन एयरलाइन है। इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं कंबोडिया, हमारी कंट्री नंबर 7, और सुबह के वक्त हो रहे भाई 7:30 का वक्त हो रहा है। कंबोडिया जो है वो मलेशिया से 1 घंटा आगे है, मतलब अभी मैं इंडिया से 1.5 घंटे आगे हूँ, मलेशिया में मैं इंडिया से 2.5 घंटे आगे था। तो पहले चलते हैं इमिग्रेशन पे और देखते हैं भाई इमिग्रेशन जो है वो कितनी स्मूथ प्रोसेस रहती है, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई इमिग्रेशन कैसा रहेगा कैसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहते हैं कि इंडियंस के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है कंबोडिया, पर ठीक है जो भी है देखा जाएगा जैसा भी है। तो ऐसा कुछ भाई एयरपोर्ट है ये, हालांकि छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर चलते हैं पहले सीधा हम लोग इमिग्रेशन पे। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, मेरे को ये वीज़ा ऑन अराइवल का कार्ड भरना है, फिर जाना है मेरे को सामने वीज़ा ऑन अराइवल पे। तो पहले कार्ड भर लेता हूँ, छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भर लेते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कंबोडिया, इमिग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इससे ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस मैंने आज तक नहीं देखा भाई। लिटरली कुछ नहीं पूछा, पहले मैं गया वीज़ा ऑन अराइवल वाली साइट पे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, वीज़ा ऑन अराइवल का एक कार्ड होता है वो कार्ड भरा, उसके बाद $30 की फीस जमा की, उन्होंने वीज़ा प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद मैं गया इमिग्रेशन ऑफिसर पे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी मतलब कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, ये पूछा भाई कितने दिन रुकोगे, मैंने कहा 2 वीक, उसने प्रॉपर 30 दिन का वीज़ा दे दिया, स्टाम्प मारी और हैव अ ग्रेट डे बोल के चलो भाई। मतलब मैंने सुना है कि इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है स्पेशली इंडियंस के साथ में, मेरे को भाई कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। मैं सिर्फ 15 मिनट में फ्री हो गया, मैंने वेट किया तो सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल वाली लाइन में, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी। इमिग्रेशन पे तो मेरा सिर्फ 1 मिनट लगा, उसने बस अंगूठा लिया, उसके बाद फेस स्कैन किया, प्रिंट किया और जाओ भाई, किस्मत बहुत अच्छी है। अब चलते हैं भाई, पहले बैग कलेक्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं सिटी पे, क्योंकि सिटी सेंटर में कैसे जाना है वो भी देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई शटल वगैरह चलती है। अब अपना भाई ये देखो, इन्होंने 2-3 कार्ड दे दिए हैं, वीज़ा मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वरना यूट्यूब ना वीडियो डिलीट कर देगा। तो ये 2-3 ऐसे कार्ड दिए हैं, दिखा देता हूँ, ये ब्लू सॉरी ये येलो वाइट और ऐसे। तो हाँ अब वेट कर रहे हैं हमारे बैग का, लो भाई लगे हाथ, हमारा बैग भी आ ही गया। चलो आज का दिन तो भाई मज़ा आ गया। तो अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट से एकदम बाहर, अभी बाहर जाके मुझे सिटी बस पकड़नी है, क्योंकि ग्रैब वगैरह बहुत महंगी पड़ती है, तो सिटी बस पकड़ूंगा मैं, सिटी बस मेरे को बहुत ही आराम से ले जाएगी। पीछे भाई ये पूरा एयरपोर्ट था, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था, जैसे काठमांडू का एयरपोर्ट था ना वैसे ही।
तो पीछे पूरा एयरपोर्ट अभी कस्टम वगैरह करा के आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ, अब देखते हैं बाहर सिटी कैसी रहती है। अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट से बाहर और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ की सिटी। बस टुकटुक वगैरह ना भाई $8-10 ले रहे हैं। अब मैं अकेला हूँ, अगर मेरे साथ कोई होता तो शेयर हो जाता है ना, तो $10 अकेले को देना मेरे को ठीक नहीं लगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ सिटी बस का। सिटी बस भाई सिर्फ लेगी लगभग यही कोई 40 एक ग्रुप है इंडिया के, यहाँ के लगभग 1500 करेंसी होगी। तो ये आ गई भाई अपनी सिटी बस, इसमें चलेंगे हम लोग अब सीधा। तो ये लो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी बस के अंदर, और कुछ ऐसी सिटी बस है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एम्बेसी वगैरह लग रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे फ्लैग लगे हैं। हम चल रहे हैं सिटी बस से सीधा सिटी में। तो मैं पहुँचने वाला हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, और बस ने मेरे को पीछे उतार दिया था। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा मेरे हॉस्टल पे। बाकी अभी मैंने ये आइस टी ली है, ये मेरे को पड़ी कुछ 2-1 हज़ार रुपये की, इंडिया के बनते हैं 40-50 रुपये मेरे हिसाब से। तो हाँ बाकी सस्ता यार, देश इतना महंगा नहीं है, कंबोडिया चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल है। पर हाँ हॉस्टल वगैरह के रेट वही है 500-600 हज़ार के आसपास, हॉस्टल उतने का ही पड़ता है। मे भी खाने का देखना पड़ेगा, वेजिटेरियन खाना मेरे को लगता है महंगा पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन खाना मेरे को हमेशा महंगा पड़ता है। बाकी ठीक है, ये आइस टी ठीक है, 40-50 रुपये में कोई बुरी नहीं है। पहले चलते हैं सीधा अपने हॉस्टल पे, हॉस्टल में चेक इन करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कंबोडिया का फर्स्ट इंप्रेशन। तो मैं पहुंच चुका था मेरे हॉस्टल में, और मेरे हॉस्टल में पहुंच के भाई मैंने वीडियो बनाई नहीं इतनी, क्योंकि भाई मैं काफ़ी थक चुका था। अभी भाई शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, और भाई हमारा जो हॉस्टल है ना पार्टी हॉस्टल है। मैं आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले। तो ऐसा कुछ भाई ये हॉस्टल है, इधर रिसेप्शन था, इधर हमारा बार वगैरह हो गया आगे तक पूरा। उसके बाद ये देखो ये सारा मतलब बार का सेक्शन है, यहाँ पे पूरा कंबोडिया लगा भाई, ये कंबोडिया का सबसे बड़ा पार्टी हॉस्टल है। ये देखो भाई दारू वारू इन्होंने मतलब पूरा सेट कर रखा है, और ये पूरा इतना बड़ा बार हो गया है। उसके बाद ये सारा हो गया भाई पूल एरिया, इधर पूल पार्टी चल रही है मतलब। ये देखो भाई पूरी पार्टी चल रही है इधर हर जगह, इधर बार का सेक्शन हो गया, उधर मतलब सारे पार्टी कर रहे हैं। तो चलते भाई बाहर की तरफ। ये हमारा हॉस्टल था अभी के लिए, आवाज़ हो सकता है कि मेरी थोड़ी कम आए, और ठीक है आज की इस वीडियो को रखते यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली ब्लॉग के अंदर, अंटिल देन बाय। और अगला जो ब्लॉग है वो हम कंबोडिया का फर्स्ट इंप्रेशन दिखाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट इंप्रेशन हालांकि मैं देख चुका हूँ बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड।